नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन अपराध और अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से और खासकर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से सूबे में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगी है, लेकिन शायद ये दावा अब दिन पर दिन खोखला साबित होता नजर आ रहा है। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहले लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय की निर्मम हत्या कर दी गई और वहीं बीते दिन अमेठी में एक बेहद खौफनाक घटना घटी। जी हाँ, प्रदेश में कंपोजिट विद्यालय में तैनात एक दलित शिक्षक, उनकी पत्नी व दो बेटियों को अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मार दी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा कर रख दिया है, तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी के अमेठी में बीती शाम एक ही परिवार के चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। इस वारदात से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में किराए के घर में रह रहे एक दलित सरकारी टीचर सुनील कुमार को उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों समेत गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये जघन्य हत्याकांड घर में घुसकर किया गया। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो खून से लथपथ शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और 1.5 साल की बेटी सृष्टि को मार डाला गया। दोनों मासूमों को भी गोली मारी गई है। क्राइम सीन ऐसा है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल दहल जाए। पुलिस का मानना है कि ये वारदात लूटपाट की नियत से नहीं की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी FIR मिली है, जिसमें सामने आया है कि ये केस टीचर की पत्नी पूनम भारती की तरफ से दर्ज कराया गया था। पूनम ने किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं इस FIR में साफ साफ कहा गया है कि अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। वहीं घटना पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में घर के अंदर भी परिवार सुरक्षित नहीं, जंगलराज चरम पर है। अमेठी में बदमाशों द्वारा शिक्षक दंपत्ति और उनके बच्चों की घर में घुसकर हत्या अत्यंत शर्मनाक घटना। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, अपराधियों के हौसले बुलंद, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस, हो सख्त सजा। तो वहीं मायावती ने कहा कि यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के चार लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक है। सरकार दोषियों व वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। आपको बता दें कि खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है। वहीं इसी पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चंदन इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी आत्महत्या करने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।